Hey guys, welcome to our new vlog. हमारे चैनल पे आपका स्वागत है. जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके सबसे पहले. और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. तो गाइज, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हम लोग ने यूट्यूब पे जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया उसके पीछे की स्टोरी क्या, मतलब तो हम लोग से कैसे और क्यों मोटिवेट होके ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया. आज ये बताने वाले अपने वीडियो में बेसिकली यही स्टोरी बताएंगे. और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अंत तक इस वीडियो को देखिएगा. और ये स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का ही है. इंटरेस्टिंग मतलब सबके साथ होता ही है, तो क्या पता आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग मोटिवेट हो जाओ और आप लोग वीडियो बनाना शुरू कर दो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइड, आप लोग यूट्यूब से तो वाकई अच्छी तरह से है. यूट्यूब सभी के लिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है. तो हम जब भी ऑफिस से या घर से कहीं से भी इधर उधर से आते थे नेहा के पास, तो जब भी नेहा को टाइम मिलता था ये कुछ ब्लॉग टाइप का वीडियो देखते रहती थी, मतलब ब्लॉगिंग वाला वीडियो. जब हम पूछते थे अब क्या देखते रहती है, क्या मन लगता है तुमको ये सब देखने में, तो कुछ नहीं बोलती थी और बोलती थी हमेशा नेट खत्म हो गया. आप ब्लॉग नहीं देखते थे, इसलिए हम आपको बोलते भी नहीं थे. देख, ब्लॉग तो हम देखते थे, लेकिन हम मतलब होम ब्लॉगिंग तो नहीं देखते थे. मतलब बाइकर्स का या फिर टूर का ब्लॉग देखते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते थे. तो समय नहीं देखते. तो एक दिन संडे था या नहीं था ये कर रहे, लेकिन मेरा छुट्टी था ऑफिस से. तो हम देखे नेहा को फ्री थी, कुछ काफी करके ब्लॉग देख रही थी. तो ब्लॉग में जिया शाश्वत राव के नाम से एक चैनल था, उनका ब्लॉग ये देख रही थी. तो हम उस समय हम ब्लॉग नहीं देखते थे, तो हम इससे बोले कि क्या ये सब ब्लॉग देखते रहती है, क्या तुमको मन लगता है ये अलवल चीज देखने में. तो फिर क्या बोली तुम, इमोशंस हो गया था, कनेक्शन टाइप हो गया था कि कटिहार बगल में है और पूर्णिया बगल में है, तो पेट का आशा में रह गई. तो लेकिन उससे मतलब नहीं है, तो यही वीडियो देख रहे थे. क्या बोल रहे थे, एक भी ब्लॉग ने छोड़ दिया. और दोनों जब लड़ के वीडियो डालते हैं तो भी अच्छा ही लगता है. और फैमिली का ऐसा देख के लगता था कि हाँ, हम लोग का भी सेम ही फैमिली मतलब है. मेरी मम्मी पापा नहीं है और नेहा के मम्मी पापा है जो पूर्णिया में रहते हैं, और भाई भी है. मेरी दीदी लोग है, पांच सिस्टर है मेरी, तो पांचों अपने अपने ससुराल में आती जाती रहती है. तो लेकिन इतना ही प्यार है सब में, जैसे उनके फैमिली में है, तो बहुत अच्छा लगता है. हमको भी आदत हो गया धीरे धीरे देखने का उनका वीडियो. तो यही है, वैसे ये भी देखने लगते हैं थोड़ा थोड़ा. हाँ, मेरे चैनल मेरे चलाते तो ये भी आदत है देखने. मेरे आईडी से भी सब्सक्राइब नेहा ही कर दी थी. ध्यान का बात नहीं है, मतलब हम जो टाइम भी नहीं रहता था. अभी तो लॉकडाउन है तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए लॉकडाउन में, लेकिन हमको लगता था कि मतलब वीडियो कैसे बनाएंगे. वीडियो मतलब हिचक टाइप का होता है ना, हिचक टाइप का, और कौन हम लोग का वीडियो देखेगा. तो बहुत सारा चीज मन में था,
लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं अपना शॉर्ट एक्सपीरियंस है कि एक बार जब आप या अपना कैमरा या अपना मोबाइल उठा लीजिएगा वीडियो बनाने के लिए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो फूडिंग हो, चाहे वो किसी डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी चीज़ में, एक बार से दो बार जब आप कैमरा को फेस कर लीजिएगा तो आपके अंदर, अगर आप नहीं भी बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो आप बोलना सीख जाएंगे। जैसे हम लोग मतलब कैमरा के सामने, कैमरा के आते जैसे खाना खाते समय भोज में होता है ना कि खाना खा रहे हैं ऐसे, और कोई कैमरा वाला आ गया कैमरा लेके, तो फिर वही हाल था। लेकिन अब वो अब ऐसा नहीं रहा, दस पंद्रह दिन में 150 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो फिर अब मेहनत करेंगे आगे, अब देखिए मेहनत करते रहना है। तो वही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम अपना शॉर्ट एक्सपीरियंस एक और आपको बता रहे हैं कि आपको ये भी लगेगा कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके पड़ोसी अगर वीडियो देखेंगे तो अंदर से थोड़ा फीलिंग आता है कि क्या वो लोग सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोचते हैं तो सोचने दीजिए, कुछ नहीं सोचते वो भी अच्छा ही सोचेंगे वीडियो देख करके, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हैं तो एक दिन फेमस अगर आप हो जाएगा तो वो भी आपके वीडियो में आना चाहेंगे। इसलिए अगर आपको भी बनाना है तो आप बना सकते हैं, हम लोग तो स्टार्ट किए ही हैं। तो यही हम लोग का शॉर्ट स्टोरी है कि हम लोग ने यूट्यूब पे वीडियो बनाना कैसे शुरुआत किया। तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब, हाँ लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग अभी कर ही रहे, हम लोग तो खुद बिगनर है, हम लोग आपको क्या सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हाँ हम इतना बोल सकते हैं कि मेहनत करने पे सफल जरूर हो जाएगा। और पता नहीं ये वीडियो जिया शाश्वत जी लोग आप लोग के पास पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, और लेकिन पहुँचेगा भी तो लेट से पहुँचेगा या नहीं भी पहुँच सकता है। थैंक यू वैसे आप लोग को, आप लोग का ये वीडियो देख के मतलब और देख के हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। आप लोग का मतलब बेसिकली वीडियो देखते थे तो हम लोग को लगा कि हम लोग बना सकते हैं, तो थैंक यू ऐसा ही। और कभी मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, देखिए मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। और यही हमारा तो शॉर्ट स्टोरी था। हाँ और क्या, एक और हम लोग उनका वीडियो भी अच्छा लगता है, ब्लॉगिंग ही करते हैं अपल ही है, तो कभी मौका मिला हम लोग को तो उनके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे, वो भी अच्छा ही वीडियो बनाते हैं, सही है, उनका भी वीडियो देखने में अच्छा लगता है। तो जो भी व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी इस स्टोरी को आप देख रहे हैं, तो थैंक यू है आपको कि आपने इस वीडियो को फुल देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लोग को अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें साथ ही।